जुए देख रही हो? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है हमारा एग पराठा। नॉर्मली एग पराठा है, एग के ऊपर रोटी लगा के, और मैंने जो है अभी तवे में जो है ऑमलेट, जैसे ऑमलेट बनाने के लिए डालते हैं वैसे डाला है, और इसके ऊपर लगाएंगे हम रोटी। और मैं खाऊंगी पीनट बटर और नमकीन पराठा, क्योंकि मुझे जो है यही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, पीनट बटर और नमकीन पराठा। इसमें जो है मैं पीनट बटर लगा के खाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और चाय भी हमारी बन चुकी है, और ये देखिए मैं इसके ऊपर लगाऊंगी रोटी इस तरीके से, और दबा लेंगे थोड़ा, जो गीला गीला मतलब एग होता है वो उसमें लग जाता है। फिर इसको टर्न करके इस तरीके से प्रेस करके देन इसको फ्लिप कर लेंगे, और इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा बटर भी डाला है इस तरह से, उसको थोड़ा सा शेक के देर फिर करारा हो जाते क्रंची क्रंची टाइप का, इस तरीके से इसको दबा के दोनों साइड से पका के एकदम क्रंची करके इसको जो है हम इंजॉय करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में विद बटर एंड चाय के साथ। तो ये गया बुटोला जी के लिए, तो पराठे बुटोला जी के लिए बने हैं, और लेंगे वो बटर और चाय। तो अभी जो है उनको देने के लिए चलते हैं, उनका जो है ऑफिस वर्क है तो वो बिजी रहते हैं, तो इसलिए जो है मैं लेके गई इनके पास बटर। उन्होंने कहा थोड़ा उधर ले जा लो, टीवी देखते देखते खाएंगे। वो अपना वर्क कर रहे थे, बट थोड़ा ब्रेकफास्ट के टाइम तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है विद टीवी के साथ, बिना टीवी देखे मेरे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं होता, मतलब गोरे से लगती है। तो सोचा ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ी सी टीवी देखी जाए। ये है बुटोला जी का बटर पराठा, और ये रही मेरा पीनट बटर पराठा, नमकीन पराठा है, उसके साथ इंजॉय करूँगा। सो गाइस, फाइनली मैंने जो है दो प्लांट ले लिए हैं। जुए देख रही हो? और आज आ रहा है हमारा सोफा, चीनी से चढ़ा नहीं, तो यहाँ से जो है रस्सी के द्वारा जो है चढ़ाया जा रहा है ऊपर। तो ये देखिए फाइनली सोफा आ गया है, इसकी जो है अनबॉक्सिंग की जा रही है, फाड़ के सारा तो ये रहा हमारा 3 सीटर सोफा, हमने जो है ऑनलाइन मंगाया, बताएगा कैसा लगा आपको। तो अब मैं नहा गई हूँ और बुल्ला जी के साथ कर रही हूँ थोड़ी सी मस्ती, और ये देखिए उनका रिएक्शन क्या कहते हैं। सो गाइस, अभी जो है मैं नहावा गई हूँ, और बालकनी देखो कितनी अच्छी धूप आई है, मतलब अंदर रूम तक धूप आती है, यहाँ तक जो दरवाजा है ना यहाँ तक, मतलब थोड़ा अंदर तक भी धूप आती है, और थोड़ा मैंने कहा थोड़ा धूप ले लेते हैं, बाल भी गीले हैं, थोड़ा धूप देखी जाए। और मैंने जो है आज प्लांट लिए दो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा मतलब कोइंसिडेंट हुआ कि मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं अपने लिए जो है फ्लावर मतलब पौधे लूँ। मेरे गमले पड़े थे, 4 गमले मेरे पे वो खाली पड़े, मैं घर से एलोवेरा और पुदीना लेके आई थी, बहुत ख़राब हो गई थी, बट मैं आज सोच रही थी कि मन हो रहा सुबह से कि मैं जो है कुछ प्लांट्स लूँ यहाँ पे के लिए। तो आज मुझे जो है जैसे मैं बालकनी में गई, दो आए प्लांट्स वाले मतलब बेचने वाले आते हैं, जो पहले इधर गए, फिर मैंने सोचा लूँ ना लूँ। क्या होता है कि ना हम प्लांट्स ले तो लेते हैं, बट मन में ये रहता है कि ये सही से रहेगा या नहीं रहेगा, और फिर रेंट का घर भी है तो घर गाँव भी जाना होता है, फिर उनका लूँ ना लूँ। फिर दोबारा से दो गए इधर, फिर दोबारा से वही वापस आए, और देन दोबारा क्या हुआ कि बुटोला जी आए बालकनी में, तो मैंने ऐसे कहा कि मेरा मन हो रहा है कि मुझे आज जो है प्लांट्स लेने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर दोबारा से जो है 3 बंदे आए दोबारा से, मतलब तीसरी बार 3 बंदे आए, और फाइनली जो है मैंने सोच लिया कि मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने इनको नीचे भेजा कि प्लांट्स वाले को बोलो कि थोड़ा आगे आ जाए, उधर था थोड़ा दूर,
फिर वो आया, एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर तीन दिन आए और फाइनल जो है मैंने अपने लिए प्लांट ले लिए हैं आखिरकार। कभी कभी होता नहीं है कि हम कुछ सोचते हैं वो पूरा हो जाए तो अच्छा लगता है। और अभी जो है घर में थोड़ा काम भी चल रहा है, थोड़ा ड्रिल वाले भैया आ रहे हैं अभी ड्रिलिंग करने के लिए। सेटअप बॉक्स रखने का जो था मतलब नीचे का, वो थोड़ा टूट सा गया है तो हमने जो है ऑनलाइन दूसरा मंगाया है। और क्या होता है वो मोटर, क्या होता है वो जो नल फिट करते हैं उसमें, वार्म वाटर टैप। हाँ, वार्म वाटर टैप है, मतलब आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वो भी हमने मंगाया है। तो उसे भी जो है फिट करना है नल, किचन वाले नल पे, क्या ठंडे बर्तन धुल जाएगा हाँ देखिए जब जाते हैं, तो इसलिए वो मंगाया है। मतलब इस महीने जो हमारा नवंबर का महीना गया है वो ऐसे ही गया, मतलब काम वाम में सारा महीने जो है। हाँ, तो इस महीने हमने जो है अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग का मतलब ये नहीं कि कपड़े वपड़े लिए हैं फालतू खर्चा किया है, मतलब घर का सामान लिया है, अलमीरा ली है, बेड बनवाया है नया, वो भी टूटने वाला था हमारा बेड, पुराना बहुत ज़्यादा पुराना था। टेबल लिया है नया, और नया सोफ़ा लिया है, और ये पानी का जो मोटर है हॉट वाटर वाला वो लिया है, सेटअप बॉक्स कप लिया है, और प्लांट्स ले लिए हैं। तो इस महीने मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे दिवाली गई। दिवाली कब थी, अक्टूबर में? दिवाली कब थी, अक्टूबर में? हाँ, तो कहते हैं ना दिवाली के दिन जो है माँ लक्ष्मी जो है आपके घर आती है, तो इस बार हमारी दिवाली थी नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ लक्ष्मी जो है हमारे घर आ ही गई है, मतलब और आ भी गई है। और हमने जो है इतना सामान जो है आज तक कभी लिया नहीं था एक ही महीने के अंदर, तो इतना सामान हमने जो है अभी लिया है इस महीने नवंबर के महीने में, तो ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा ही है। हमने जो है माँ लक्ष्मी हम पे शायद खुश होगी कि तुम्हारी दिवाली नहीं है तो चलो कोई नहीं तुम्हारे घर चल लेते हैं, तो शायद माँ लक्ष्मी की कृपा ही है हम पे। तो अभी जो ड्रिल वाले भैया आ गए हैं और मैं थोड़ा धूप ले रही हूँ अच्छा सा, मतलब हमारे जो है बालकनी में धूप जो है 1:30 बजे तक रहती है यहाँ पे, और बालकनी में धूप जो है 1:30 बजे तक रहती है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है धूप से। गर्मियों में जो है रहती है, गर्मियों में जल्दी जल्दी आती है बट थोड़ा अंदर आती है, गर्मियों में गर्म लगता है बट सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब सुबह आ जाती धूप 7:30-8 बजे के करीब, और अभी तक धूप है, टाइम हो रहा है 12:30 और अभी अंदर है धूप, बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं, देखो बालकनी में धूप लग गई है पूरी। और मैं आपको जो है अपने प्लांट्स मिलाते दुआ के, अच्छा लग रहा है, मतलब प्लांट्स घर में दिख रहे हैं हरे हरे, क्योंकि हम लोगों को जो है उत्तराखंड में रह के हरा हरा देखने की आदत पड़ गई ना, तो आँखों को एकदम सुकून सा मिलता है हरी चीज़ देखे, जैसे पार्क में जाओ तो आँखों को एकदम मतलब अच्छा लगता है। हमारे घर के ये सामने भी जो है एक बड़ा सा पेड़ है, जब बारिश होती है ना उस टाइम पे उसको देख के एकदम अलग ही सुकून फील हो जाता है। मैं आपको दोबारा से अपने प्लांट्स मिला लेती हूँ, तो देखते हैं मेरे बालकनी मेरे प्लांट्स क्या कर रहे हैं। तो ये है मेरे प्लांट छोटे छोटे, मैंने थोड़ी धूप दी है। इस वाले पे जो है मैंने खाद भेने नीचे डलवा दिया, खाद डाला था उन्होंने बट उन्होंने जो है इसके पैसे लिए, मुझे लगा कि ऐसे डाला उन्होंने खाद, बट खाद डाली और थोड़ी सी दवाई डाली, बट मेरे पास खाद पड़ी थी तो मैंने कहा भैया उस पर मत डालो आप, इस पर उन्होंने डाल दी थी तो मुझे पता नहीं था कि इसके भी वो चार्जेस लेते हैं। तो ये रहा, और उसके साथ गमला भी मिल गया, और एलोवेरा का भी उधर है तो उधर लेके आते हैं। तो ये मेरे एलोवेरा का, इसमें मैंने जो है खाद डाल दी है, खुद से ही डाली है मैंने खाद, ये ब्लैक कलर की दिख रही होगी आपको तो, और इसमें जो है 2-3 प्लांट्स और आ रहे हैं इसमें, इस एलोवेरा के ही 1-2-3, और ये मैंने लिए हैं, और मेरे को जो है इसके साथ गमले मिल गए हैं, और 4 गमले मेरे स्कूने में पड़े हुए हैं अभी। अब देखती हूँ क्योंकि अब 2 प्लांट्स आ गए हैं घर में, तो और कुछ लगाया जाए उसमें जो है भैया बगल में जो हमारे नेबर हैं उन्होंने कहा कि उनके घर में कड़ी पत्ता है ना तो उसके छोटे छोटे प्लांट्स हो रखे थे, उनका उसको ले जा लो, एक वो लेके आऊँगी, और किसी में धनिया किसी मिर्ची वगैरह लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना घर में, एक बालकनी का लुक एकदम चेंज हो गया था।